कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट्स। जर्नलिस्ट जो है उनका आई कार्ड ही कर्फ्यू पास ट्रेड किया जा रहा है और कहीं इक्का दुक्का जो हमें शिकायत आई उनको एड्रेस भी किया गया है। तो जर्नलिस्ट का बहुत अहम रोल है और मैं तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक साल से ज़्यादा सा गुजर चुका है फ्रंट लाइन पर आकर अवेयरनेस को भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक लेकर गए हैं और शहर से लेकर गांव तक जितना भी इलाका है सभी को जर्नलिस्ट जो है उन्होंने इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाया है और जो SOPs हैं उनके बारे में भी तमाम जो एडवाइजरीज हैं उनको भी वहां तक पहुंचाया। तो तमाम इसलिए जर्नलिस्ट का तो काम है उन्होंने कवरेज देना है इस पूरे सिचुएशन को, तो इसलिए आई कार्ड जो है वही आई कार्ड को ही कर्फ्यू पास ट्रेड किया जाएगा। बात फिर वही रही कि आग का दरिया है और तैयार कर जाना है, यही मुश्किल है। तो मैं मुतबना गुजारिश करना चाहूँगा सबसे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले तो खैर मैं इस मुकद्दस त्यौहार के मौके पर अपनी तरफ से एडवांस ईद की तमाम श्रीनगर वासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ और ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वायरस जो है वो ढील नहीं हमें दे रहा है। वायरस जो है वो उसको नहीं मालूम है कि ईद है या कोई दूसरा त्यौहार है, ना वायरस इस मूड में है कि वो छुट्टी पर बैठ रहा है दो दिन एक दिन ईद के दिन, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा हमें अभी ये चीज़ समझना है, मेडिकल साइंस के जो हकायक हैं और जो शवायद हैं उसकी बुनियाद पर ही हमें ये बात इस बात पर गौरवखोज करना होगा। और SOPs जो हैं बिना दोहराए इस बात को जो सबको मालूम है मैं ये कहूँगा कि SOPs का जो है पूरा स्ट्रिक्टली पालन करें ताकि हम सब मिलकर जिस तरीके से फर्स्ट वेव से बाहर उबर कर आए उसी तरीके से कामयाब होकर हम जो सेकंड कोविड वेव है उसकी यलगार से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।